तालियों के साथ गुलफुशी का मजा ले। मैं सत्सार भगवान से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और शब्बीर भाई के साथ की गुलफुशी करें। साहब की अल्हाज हबीबुल्लाह इरफान साहब की गुलफोशी। कल इनकी गुलफोशी जो है हमारे अल्लाह का शिरकन मैं एक बहुत ही हसीन मौका और एक बहुत ही बेहतरीन मौका जो है 10 सालों हम सब दीजापुर वालों को बहुत इंतजार था कि हमारा भी कोई नुमाइंदा बीजापुर के अंदर उस मकाम पर हो जहां पर हमारी बात सुनी जाए और हमारे लिए इस मौके पर अपने चंद अल्फाज पेश करें। प्रीति पात्र अब्दुल रजाक वर्ती सर और सहोदर समान मईनुद्दीन बिलगी सर और वेदिके मेले आसीन हिरीय मुखंडरे इले आगमिसिरुव हिरियरे अण्ण तम्मंदिरे अक्क तंगिदिरे ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇದೆ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೌರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ 35 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇದೆ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಮಾರೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ಶಹರ್ ಕೆ ಮೇಯರ್ ಔರ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಕಾ ಭಗವಾನ್ ಪರ್ಮಿ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಜೊ ಸನ್ಮಾನ್ ರಖಾ ಹೈ ಇಸ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಶಹರ್ ಕೆ ಮೇಯರ್ ಮಾಯಾ ಜಬೀನ್ ವರ್ತಿ ಸಾಹಿಬಾ डिप्टी मेयर दिनेश अली साहबा भगवान जमात के प्रशिक्षण साहब हमारे मनगोली साहब हाजी साहब हमारे नबीलाल हाजी साहब हमारे मिल्की साहब रानू भैया हजानिमा हमारे पीछे हजानिमा जो बैठे हैं मेरे प्यारा अजीज मेरा दोस्त मेरा भाई मैंने मिल्की साहब और यहाँ पे जितने भी लोग जमा हैं आज जो खुशी मना रहे हैं ये आपकी बदौलत है. आज इलेक्शन में आपको मालूम है कि यहाँ का एमएलए हमको नहीं ठहरने के लिए जो कोशिश करना था वो कर दिया. उसके बावजूद भी ये हमारे गली के माँ बहनें घर को आके हजानमा सौ दिनों को बुला लेकर के ठहरना सो ठहरना बोल के एक हिम्मत देने के बाद ये जबीन कभी घर के बाहर नहीं गए. उनको मेरे से ही बेजार होता था पॉलिटिक्स से पर उनको खींच लाने में यहाँ के हमारे वार्ड के माँ बहनों का सबसे बड़ा हाथ है. उनको जैसे ही बोला कि आप फिरने की ज़रूरत नहीं हम चुन के लाएंगे हम घर घर फिर के आप लोगों का काम करेंगे आपको खाली फार्म भरना है बाकी का काम हम करेंगे
ये हमारे गोवा वाले आजी साहब आजीमा और यहाँ के पूरी माँ बहन सब मिलके उनको मना लिए। मना लेने के बाद में चुन को भी लाए, इतने लीड से चुन के लाए कि उसका अंदाजा भी नहीं रहा। जैसे ही चुन के लाए उसके साथ साथ ये आप लोगों की दुआ का सदका है कि वो मेयर भी बन गए। पिछले 5 मरतबा में चुन के आया, मेयर नहीं बन सका, ये मेरी बदनसीबी थी। एक ही मरतबा में चुन के आए और मेयर भी बन गए, ये आप लोगों की दुआ। ये माए जमीन भर्ती नहीं बनी, ये मेयर हमारे मोहल्ले के सभी औरतें बने, ये मेयर पूरे हमारे होटल्स बने। आज अभी बता रहे थे कि मेरे हमारे माजी कॉर्पोरेटर महिनो बिड़गी साहब के 10 साल का अरसा गुजरा कि कोई हमारा एक मेयर नहीं बना। और जनरल में कॉर्पोरेशन का पहले इलेक्शन में जनरल में एक माइनॉरिटी का और वो भी औरत को मेयर बनाना नामुमकिन था, मगर आपकी दुआ आपकी ताकत हमारे साथ थी, ये जनरल में भी उनको मेयर बनाया गया। जो पहले कॉर्पोरेशन का पहला इलेक्शन है वो पहले मेयर भी बन गए। इससे पहले जो हम कॉर्पोरेटर थे वो नगर सभा से चुन के आए थे, नगर सभा से चुन के आने के बाद अपग्रेड किया गया था। अपग्रेड करने के बाद अपग्रेड का कॉर्पोरेशन हुआ था, ये कॉर्पोरेशन होने के बाद कॉर्पोरेशन का पहला इलेक्शन है। अब सामने हमारे 10 सालों में जो MLA बीजापुर में थे वो अपने एरिया में अपने लोगों के लिए MLA बन के काम करे। कम से कम बीजापुर में 18 वार्डों में एक भी काम नहीं हुआ। अब ये मुसलसिल 5-6 साल से जो कॉर्पोरेशन में इलेक्शन भी नहीं हुआ था, 7 साल का अरसा हो गया इलेक्शन के बाद में, 20-15 महीने ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ, मेयर के इलेक्शन के लिए नहीं। कम से कम लखनऊ से जो फंड आया था वो फंड को अपने वार्ड में यूटिलाइज करने के लिए, अपने अपने एरिया में खर्च करने के लिए, लूटमार करने के लिए उन्होंने इलेक्शन को आगे भगाते गए, उसमें कामयाब हो गए। मगर जो ये इलेक्शन था तो जैसा MLA के इलेक्शन में डुप्लीकेट वोट बना के जैसा जीत गया है, मगर ये इलेक्शन में वो डुप्लीकेट वोट नहीं चले, यहाँ हाथ उठाना पड़ता था, सर को गिनना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने बाइकआउट करके चले गए। मगर अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है, अल्लाह ताला इस इतने कठिन इलेक्शन में भी कामयाब बनाया। ये आप लोगों का दुआओं का आपके होठों का सदका है कि उन्होंने आप मेयर बने। आप मेयर बने हैं तो जैसे ही 9 तारीख को मेयर बने हैं, 12 तारीख को चार्ज लिए हैं, 13 तारीख को वार्ड में काम शुरू कर चुके हैं। ये हमारे वार्ड में ही नहीं बल्कि कम से कम आज 10 या 11 वार्ड में अब काम शुरू हो गए। अभी कम से कम 24-25 वार्ड बचे हैं, वो भी 8 दिन में वो भी काम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा टेंडर भी बुलाने वाले हैं ताकि कौन से इमरजेंसी काम है, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो कैलेंडर पीरियड निकला तो तब हम ना फिर काम करने के लिए महीना 2 महीने रुकना पड़ता है, तो इसके लिए हम कल जल्द से जल्द वो काम शुरू करेंगे। और हाल ही में परसों कल बजट मीटिंग भी बुलाए थे हम, सार्वजनिक आने के लिए बोले थे, मगर मार्केट से हमारे कोई भी नहीं है। मार्केट से लोग आएंगे ये उम्मीद थी हम, ना मार्केट से नहीं आ सके, तो इसलिए और एक बार हमें मीटिंग बुलाएंगे कि जो भी अपने मसले मसाइल हैं बजट में हमें भाना पड़ता है। तो आज हमारे जुमा मस्जिद में रिसेंटली ये 8-15 दिन में ये काम मैं शुरू करता हूँ, और उनको बोला हूँ, आपको नहीं बोला मैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को भी कमिश्नर साहब को बुला के बात करा हूँ, ये काम अगर जल्दी नहीं हुआ तो रोड फोड़ के यहाँ का पानी पूरा छोड़ दूँगा कबोले। हमारे अल्लाह बकर भगवान साहब भी इसके लिए बहुत जद्दोजहद करे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने अपने एक लोगों को पकड़ने की एक ये रहती है, तो वो काम की वजह से रुक गया। मगर फिर भी मैं आप लोगों को इत्मीनान देता हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द ये घटाल और ये कम समय में काम करके आप लोगों का जो मसला है उसे इंशाल्लाह पूरा करूँगा। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ रोड के लिए हमारे सलीम मुंडेवाड़ी साहब, हमारे अल्लाह बकर साहब, हमारे काम करना यूसुफ साहब, उनके अपने खुद के जगह में जाने के लिए, घटार जाने के लिए दिए फ्री ऑफ कास्ट में।
उसके लिए कोई पैसा नहीं लिए, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ ना हो मैं उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वो जगह दिए हैं। उस जगह में रोड भी और गटर भी दोनों करने का वो काम हमें कर रहे हैं, तो गटर अब हो चुकी है तो उसके ऊपर कांक्रीट भाग के रोड करना है, और यहाँ भी उजुगोड़ा के घर के बाजू भी वो जो मसला है वो भी मसला पूरा करना है। ये तीन काम हमारे यहाँ एरिया में बचे हैं, मैं वो तीनों काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो करूँगा और आप लोगों के सामने फिर खड़ा होऊंगा। करके खड़ा होना ये बेहद ज़रूरी है, चुप बोल के जाना मुझे मालूम नहीं है, वो बोलता भी नहीं, जो होता है वो करता हूँ, जो करता हूँ जो बोलता हूँ। तो इसलिए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत देर से आपको इंतज़ार करना पड़ा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हुआ, मैं वो मैयत छोड़ के भी आया हूँ, मैं और भी वहाँ पर मुझे जाना है। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो भी आपके काम हैं ये बुज़ुर्गों के सरपरस्ती में इनके मशवरे लेकर, हमारे एक्स कॉर्पोरेटरों के मशवरे लेकर जो भी हमारे बीजापुर शहर को डेवलप करना है इंशाल्लाह मैं करूंगा बोल के आप लोगों को ये यकीन दिलाते हुए आप यहाँ इतने बड़े पैमाने पे आप लोग यहाँ बुलाए, क्योंकि आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है। आप जो तो काम बहुत से कर चुके हैं हमारे वर्दी साहब और भी छोटे मोटे हमारे जे शहर बीजापुर के बागवान कॉलोनी के अंदर आज बीजापुर शहर के बागवान कॉलोनी के अंदर हमारे मेयर और उप मेयर की यहाँ पर गुलपोशी का और उनके सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में वो दोनों हमारे मेयर साहिबा और हमारे उप मेयर भी दिनेश अली साहब भी यहाँ पर आए थे, और रजाक भर्ती साहब भी जो एक्स कॉर्पोरेटर हैं उनको भी यहाँ पर गुलपोशी के लिए बुलाया गया था, और अलहाज अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब को भी बुलाया गया था, किसी कारण अलहाज अब्दुल मुशरिफ साहब नहीं आ सके। तो यह कार्यक्रम की मेन जो बात है वो यह है कि बीजापुर के अंदर 5-6 सालों से कोई डेवलपमेंट का काम हमारे वार्डों में नहीं हो रहा है, तो एक अच्छा सुनहरी मौका है जो हमारे भर्ती साहब के मिसेस यहाँ पर बीजापुर के मेयर बने हैं, तो हम लोग उनसे गुजारिश करने के लिए कि अतराफ की एरिया में बहुत से हमारे काम बाकी बचे हुए हैं, तो उन कामों की उनको मेमोरेंडम दिया गया और वो मेमोरेंडम को पढ़कर वो खुद इस बात का आश्वासन देकर चले गए कि मैं एक साल के अंदर उनके पीरियड के अंदर जो है मैं इन कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ करके उन्होंने बोल को चले।